आज मैं बनाने जा रही हूँ दही वड़ा। तो आइए जानते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए, मैंने उड़द दाल को 2 से 3 घंटे हमने भिगो के रखा था, वो फूल जाने के बाद हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं देना है, क्योंकि जब हम इसे दही में डुबोएंगे ना, उसके बाद फिर ऊपर से भी हम लोग इसमें नमक देते हैं। तो देखिए, नमक देकर इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि ना ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। यदि आप मान लीजिए अगर इसको नहीं फेंट पाते हैं अच्छा से, तो आप इसमें खाने वाला थोड़ा सा सोडा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम इसमें सोडा नहीं डाल रहे हैं। देखिए, हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये कैसे पता चलेगा कि बड़ा बहुत सॉफ्ट बनेगा, तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा पानी में हम इस तरह के बड़ा के घोल को ऐसे डालेंगे। ये देखिए, ये ऊपर आ गया है पानी में, तो समझिए कि ये बहुत सॉफ्ट हुआ है। यदि ये नीचे रहता तो इसे हमें और फेंटना पड़ता। ये देखिए, ये निकल चुका है, इतना अच्छा से एकदम ऊपर में पानी में है। तो चलिए अब हम गैस पे तेल गरम करके पहले इस बड़े को छान लेते हैं। ये देखिए, हमने गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये तेल गरम होगा, हम इस बड़ा को छान लेंगे। ये देखिए, अब ये तेल गरम हो चुका है। अब हम इस बड़े को ऐसे लेंगे हाथों में, थोड़ा सा हाथ में पानी हल्का हल्का लगा लीजिएगा। इस तरह से हमें बीच में देखिए गड्ढा करना है, उसके बाद हमें इसे इस तरह से इसमें डाल देना है। सभी बड़े को ऐसे बीच में गड्ढा कर करके और तब इसे छानना है। देखिए, हमने यहाँ पर गड्ढा कर लिया, इसे इस तरह से तेल में हल्का से छोड़ देना है। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से पलटी करेंगे, ताकि दोनों साइड से बड़ा अच्छे से पक जाए। देखिए, इस तरह से इसे पलट देना है, थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक इसे छानना है। ये देखिए, अब ये छन चुका है। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से सभी बड़े को हमें इसी तरह से छान लेना है। तो जब तक हम बड़ा को छानते हैं, तब तक क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। तो चलिए, गैस पे हम इसे बैठाते हैं गर्म होने के लिए। ये देखिए, हमने गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया इस तरह से ढक करके। ये देखिए, यहाँ पानी अब हल्का गुनगुना गर्म हो चुका है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए, हमने सभी बड़े को छान लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो गर्म पानी है, इसमें सबसे पहले हम इस बड़े को डुबा के रखेंगे। इस तरह से बड़े को हमें हल्का सा ऐसे दाबना है, उसके बाद इस पानी के अंदर डाल के 1 मिनट में इसे बाहर निकाल लेंगे। सभी बड़े को ऐसे करना है। देखिए, इस तरह से पानी से हमें, गर्म पानी से इस बड़े को इस तरह से छान के निकाल लेना है सभी को। ये देखिए, हमने सभी बड़े को गर्म पानी से निकाल लिया है। अब ये जो हम दही जमा के रखे हैं, ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 किलो दही लिया है। अब हम इसे, इस दही को पूरा इस तरह से मथ देंगे, अच्छा से इसे पहले मिक्स कर लेना है पानी देके। ये देखिए, हमने इसे अच्छे तरह से घोल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसे थोड़ा दही को पतला करना है इस तरह से। ये देखिए, हमने पानी डाल के इसे घोल लिया है। अब हम इस सारे बड़े को इसके अंदर डाल करके 2 से 3 घंटा के लिए पहले इसे हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसे 2 घंटा ऐसे डुबो के रख दिया था। 2 घंटा हो चुका है पूरा, अभी अच्छा से फूल चुका है। तो ये देखिए, अब इस दही बड़ा में डालने के लिए हमने यहाँ पे इमली को पहले से भिगो के रखा था, उसमें हमने एक तरफ इमली, इसमें हमने गुड़ डाल करके मीठा चटनी बनाया है। आप चाहें तो आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और एक तरफ ये खट्टा चटनी है नमक दे करके। इसमें मैंने इन सभी मसालों को हमने भूंज के पीस लिया है। इसमें हम जीरा, गोलकी और धनिया पाउडर पीस लिए हैं, और ये लाल मिर्च, काला नमक और जैसा साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं। तो चलिए, अब हम इस बड़ा को पहले तैयार करते हैं सजा के। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें सब दही बड़ा को एक एक करके ऐसे पहले निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने दही बड़ा इसमें निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर ये पहले खट्टा चटनी थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालेंगे। देखिए, हमने सभी में खट्टा चटनी डाल दिया है। अब हम ये मीठा चटनी इसके ऊपर फिर डालेंगे इस तरह से सभी में। तो देखिए, हमने मीठा चटनी भी डाल दिया। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से नमक डालेंगे, साधारण जो नमक हम लोग खाते हैं वो वाला। सभी के ऊपर ऐसे देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर हम ये काला नमक इसे भी इसके ऊपर डालेंगे, हमने काला नमक भी छीट लिया। अब हम ये जो जीरा, गोलकी और धनिया का जो भूंज करके हमने मसाला पीसा है पाउडर, उसे भी इस तरह से डाल लेना है सभी में। हमने इस मसाला को भी डाल दिया है। अब हम ये लाल मिर्च, जो इसे भी हमने भूंज करके ही पीसा है, इसे भी इसी तरह से ऊपर में आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा, जितना आप तीखा खाते हो।
ऐसे हल्का ही दीजिएगा। तो ये देखिए अब ये दही बड़ा बनकर तैयार है पूरी तरह से। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।